हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एरे में यूनिक और डुप्लीकेट एलिमेंट जो भी होता है वो कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इंटीजर वेरिएबल चाहिए, इंट ए डबल आर, और इसका साइज मैं 25 दे रहा हूँ, और यहाँ पे डी यू पी, और इसका साइज भी मैं 25 दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इंट अगला वेरिएबल एन कॉमा आई कॉमा जे कॉमा सी एन टी, यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन, और यहाँ पे एंटर द नंबर, और यहाँ पे स्कैनर फंक्शन, और यहाँ पे परसेंट डी, और इसके बाद एम परसेंट, यहाँ पे एम, फिर से प्रिंटर फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे एंटर द एलिमेंट इन एरे, फिर यहां पे फॉर लूप लिखने जा रहे हैं। आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा, आई लेस देन एन, और फिर आई प्लस प्लस, फिर यहां पे स्कैनर फंक्शन, और यहाँ पे परसेंट टी, और यहाँ पे एम परसेंट ए डबल आर ऑफ आई, और यहाँ पे डूप ऑफ आई इक्वल टू -1, फिर यहाँ पे फॉर लूप लिखने जा रहे हैं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और उसके बाद 70 इक्वल टू 1 फॉर लूप, यहाँ पे जे इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ पे जे लेस देन एन, और फिर जे प्लस प्लस, और यहाँ पे ए ए डबल आर ऑफ आई डबल इक्वल टू ए डबल आर ऑफ जे। अगर दोनों ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू इंक्रीज होगा, और यहाँ पे डुप ऑफ जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इफ डुप ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे डुप ऑफ आई इक्वल टू सी एन टी, उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप से बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स इन एरे आर, और यहाँ पे फॉर लूप लिखने जा रहे हैं। आई का वैल्यू यहाँ पे 0 से शुरू होगा, और यहाँ पे आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे अंदर जाके इफ कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे डुप ऑफ आई डबल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे परसेंट डी और स्लैश टी, और यहाँ पे ए डबल आर ऑफ आई, तो यहाँ पे बस इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक और यहाँ पे लिख रहे हैं डुप्लीकेट, अब यहाँ पे कंडीशन देने जा रहे हैं डुप ऑफ आई ग्रेटर देन 1, तो ये कोड यूनिक और
डुप्लीकेट एलिमेंट एरे में डिस्प्ले करने का। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखने जा रहा हूँ कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटर द नंबर, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 9। तो यहाँ पे आपको 9 एलिमेंट तो इंटर करना है, उसके बाद पहला यूनिक और डुप्लीकेट। तो पहला मैंने इंटर किया 12, 3, 12, उसके बाद फिर से 12, उसके बाद 9, 34, 54, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 45। तो ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट 12 है और 9 है। तो यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 बार है, और उसके बाद यहाँ पे 3 एक ही बार, फिर 9 यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे 34 है, 54 है, 45। तो ये सब जो भी है यूनिक एलिमेंट है एरे में, और ये क्या है डुप्लीकेट एलिमेंट है एरे। तो सही आउटपुट आ रहा है। फिर से एक बार कोड को एग्जीक्यूट करके देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर कर रहे हैं 5। तो यहाँ पहला एलिमेंट मैंने किया 34 इंटर, उसके बाद 3, उसके बाद 34, उसके बाद 56, उसके बाद यहाँ पे 7। तो ये देखिए 34 यहाँ पे 2 बार है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे 34, और यहाँ पे ये सब यूनिक है। 3 एक बार है, 56 एक बार है, 7 एक बार है, ये यूनिक एलिमेंट है एरे। तो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है, आउटपुट सही आ रहा है। अब मैं इस कोड का ट्राई एंड करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ है, तो इस कोड को अगर डिबग कीजिएगा तो सबसे पहले कोड मेन फंक्शन की पे जाएगा, और उसके बाद ये अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल ARR लिया है, तो AR क्या है, एरे टाइप क्या है, जिसका मैंने साइज 26 दिया है। तो साइज 26 देने की वजह से आप 26 एलिमेंट एरे में आप डाल सकते हैं। तो पहला वेरिएबल है ARR, और दूसरा है ADUP। तो ये भी क्या एरे टाइप का है, और इसका भी साइज मैंने 26 दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है n, उसके बाद यहाँ पे cnt, और यहाँ पे i और j। और यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन है, जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। स्कैनर फंक्शन है, तो जो कुछ भी इंटर करते हैं वो n रिसीव करेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू मैं 5, 13, और परसेंट d क्योंकि n क्या है इंटीजर टाइप का, उसके बाद प्रिंटर फंक्शन है, तो जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, एंटर एलिमेंट इन एरे। उसके बाद फॉर लूप, i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और ये चेक करेगा 0 लेस देन n का वैल्यू 5 है, जो कंडीशन सही है। तो यहाँ पे स्कैनर फंक्शन ये रिसीव करेगा, स्कैनर फंक्शन ARR 0 इंडेक्स पे नया वैल्यू। तो ये है 0 इंडेक्स, तो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं 7, और यहाँ पे डूब ऑफ 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा -1, और उसके बाद i के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो i का वैल्यू यहाँ पे 1 चेक करेगा, 1 लेस देन 5, जो कंडीशन सही है। स्कैनर फंक्शन परसेंट डी, तो ये रिसीव करेगा ARR 1 इंडेक्स पे नया वैल्यू। तो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं 9, तो ये 1 इंडेक्स, उसके बाद डूप ऑफ 1 पे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा -1, उसके बाद आई इक्वल टू 2 हो जाएगा इंक्रीज करके, चेक करेगा 2 लेस देन 5, जो ये कंडीशन सही है। तो यहाँ पे ARR 2 पोजिशन पे नया एलिमेंट यहाँ पे इंटर करते हैं 7, और उसके बाद डूप ऑफ आई, तो डूब ऑफ 2 पोजिशन पे यहाँ पे वैल्यू क्या होगा -1, उसके बाद आई का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, और चेक करेगा 3 लेस देन 5, जो कंडीशन सही है। तो ये 2 इंडेक्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये भी 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, चेक करेगा 3 लेस देन 5, जो कंडीशन सही है। तो ये अंदर जाके ARR 3 पोजिशन पे ये एलिमेंट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं 11, और डूप ऑफ 3 पोजिशन पे यहाँ पे वैल्यू क्या होगा -1, उसके बाद ये आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई का वैल्यू 4 चेक करेगा, 4 लेस देन 5, जो ये कंडीशन सही है। तो यहाँ पे ARR 4 पोजिशन पे चलिए एलिमेंट एंटर करते हैं,
तो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं 7, तो यहाँ पे डुप ऑफ फोर पोजिशन पे भी -1 आ जाएगा। उसके बाद आई का वैल्यू जब यहाँ पे 5 होगा तो ये चेक करेगा कंडीशन 5 less than 5, जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ पे अंदर ना जाके यहाँ पे आएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 0 से शुरू होगा, चेक करेगा 0 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे 4 जे इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू क्या है 0 0 प्लस 1, जे का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो ये अंदर जाएगा, तो यहाँ पे इफ ए डबल आर 0 डबल इक्वल टू ए डबल आर 1, तो i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू 1 है, तो 0 पोजीशन पे 7 है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे 9 है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इफ कंडीशन पे ये नहीं जाएगा और j का वैल्यू इंक्रीज करेगा, j का वैल्यू यहाँ पे 2, चेक करेगा 2 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे इफ ए डबल आर 0 डबल इक्वल टू ए डबल आर 2, तो 0 पोजीशन पे 7, 2 पोजीशन पे 7, 7 इक्वल टू 7, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू 2 होगा और डुप ऑफ j क्या 2 है, डुप ऑफ 2 पोजीशन पे यहाँ वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद j का वैल्यू इंक्रीज करेगा, j का वैल्यू यहाँ पे 3, चेक करेगा 3 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे a डबल r और 0 डबल इक्वल टू a डबल r 3, तो 0 पोजीशन पे 7, 3 पोजीशन पे 11, तो जो कि कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर जाके j के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, j का वैल्यू 4, चेक करेगा 4 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ए डबल आर और 0% डबल इक्वल टू ए डबल आर 4, तो 0 पोजीशन पे 7, 4 पोजीशन पे 7, 7 इक्वल टू 7, जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ऊपर जाके सी एन टी के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और सी एन टी का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे डुप ऑफ 4, जे का वैल्यू 4 है, तो 4 पोजीशन पे वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जे का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, चेक करेगा 5 less than 5, जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इफ डुप ऑफ आई, तो डुप ऑफ 0 पोजीशन नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पोजीशन है -1 है, -1 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अंदर आएगा, सी एन टी का वैल्यू डुप ऑफ 0 पोजीशन पे आएगा, तो सी एन टी वैल्यू 3 है, तो 3 डुप ऑफ 0 पोजीशन पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर ऊपर जाके आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1, चेक करें 1 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू फिर से 1 होगा और यहाँ पे जे इक्वल टू आई प्लस 1, तो 1 plus 1, जे का वैल्यू यहाँ पे 2, चेक करें 2 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो इफ ए डबल आर आई का वैल्यू क्या है 1 और ए डबल आर जे का वैल्यू 2, तो 1 पोजिशन पे 9 है और 2 पोजिशन पे 7, जो कि इक्वल नहीं है, तो जे का वैल्यू इंक्रीज करेगा, जे का वैल्यू 3, चेक करेगा 3 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, तो a डबल r 1 पोजीशन डबल इक्वल टू a डबल r 3, 1 पोजीशन पे 9, 3 पोजीशन पे 11, जो कि इक्वल नहीं है, तो i के वैल्यू को सॉरी j के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, j का वैल्यू 4, चेक करेगा 4 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो a डबल r 1 पोजीशन डबल इक्वल टू a डबल r 4, तो 9 डबल इक्वल टू 7, जो कि सही नहीं है, तो यहाँ से j का वैल्यू इंक्रीज हुआ, j का वैल्यू 5, चेक करेगा 5 less than 5, जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो फॉर लूप से बाहर हो जाएगा। उसके बाद If dup of i not equal to 0, तो i का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1 पे -1 है, तो -1 not equal to 0, जो कि कंडीशन सही है, तो cnt का वैल्यू क्या है 1, 1 जाएगा dup of 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाके i के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2 less than 5, जो कि कंडीशन सही है, cnt का वैल्यू फिर से 1 और यहाँ पे j का वैल्यू i plus 1, तो 1 plus 1 j का वैल्यू यहाँ पे और 2 plus 1, जे का वैल्यू यहाँ पे 3, चेक करेगा 3 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो इफ आई ए डबल आर आई डबल इक्वल टू ए डबल आर जे, तो आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 3 है, तो ए डबल आर 2 पोजिशन पे क्या है 7 है और 3 पोजिशन पे क्या है 11 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो अंदर नहीं जाके जे के वैल्यू को इंक्रीज करो, जे का वैल्यू 4, चेक करेगा 4 less than 5, जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ए डबल आर 2 डबल इक्वल टू ए डबल आर 4, तो 2 पोजीशन पे 7, 4 पोजीशन पे 7, दोनों इक्वल है, सी एन टी का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद डुप ऑफ जे का वैल्यू क्या है 4 है, तो डुप ऑफ 4 पोजीशन पे वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जे का वैल्यू जो 5 होगा, तो ये कंडीशन चेक करेगा 5 less than 5, जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो इफ डुप ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0, तो 5 पोजीशन पे क्या है सॉरी i का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो
यहाँ पे जेके और डूब ऑफ टू नॉट इक्वल टू जीरो, टू पोजिशन में जीरो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो जो कंडीशन सही नहीं है, तो ये सी एन टी का वैल्यू डूब ऑफ टू में नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो आई का वैल्यू तीन, चेक करेगा तीन लेस देन पाँच जो कि सही है, तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू वन होगा और यहाँ पे जे इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई का वैल्यू क्या है तीन, तीन प्लस वन जे का वैल्यू यहाँ पे चार, चेक करेगा चार लेस देन पाँच जो कि कंडीशन सही है, तो इफ ए डबल आर तीन डबल इक्वल टू ए डबल आर चार, तो तीन पोजिशन भी क्या है इलेवन है और चार पोजिशन भी क्या है सेवन है जो कि इक्वल नहीं है, तो ये अंदर नहीं जाएगा, जे के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जे के वैल्यू यहाँ पे फाइव, फाइव लेस देन फाइव जो एक कंडीशन सही नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। इफ डूब ऑफ आई, तो यहाँ पे डूब ऑफ तीन पोजिशन में क्या है माइनस नॉट इक्वल टू जीरो, तो तीन पोजिशन है माइनस वन, माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कंडीशन सही है, तो सी एन टी का वैल्यू डूब ऑफ तीन में जाएगा, सी एन टी का वैल्यू वन है तो वन डूब ऑफ तीन में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई के वैल्यू फोर, चेक करेगा फोर लेस देन फाइव जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे सी एन टी का वैल्यू वन हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे जे इक्वल टू आई प्लस वन, तो फोर प्लस वन जे का वैल्यू यहाँ पे फाइव, चेक करेगा फाइव लेस देन फाइव जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पे इफ डूबो आई डूबो फोर पोजिशन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे, तो ये सी एन टी का वैल्यू डिपो फोर में नहीं जाएगा। उसके बाद आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई के वैल्यू फाइव चेक करेगा, फाइव लेस देन फाइव जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो ये फॉर लूप से बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रिंट फंक्शन है, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यूनिक एलिमेंट इन एरे आर। उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा जीरो से शुरू होगा, चेक करेगा जीरो लेस देन फाइव जो ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पे इफ टू ऑफ जीरो डबल इक्वल टू वन, तो टू ऑफ जीरो पोजिशन में तीन है, तीन डबल इक्वल टू वन जो ये कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो आई का वैल्यू वन, चेक करेगा वन लेस देन फाइव जो कि सही है, तो यहाँ पे टू ऑफ वन पोजिशन पे चेक करेगा वन, तो वन पोजिशन पे वन है ठीक है, तो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ए डबल आर वन पोजिशन के वैल्यू को, तो वन पोजिशन पे क्या है नाइन है, तो यहाँ पे नाइन डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू टू, चेक करेगा टू लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे टू ऑफ टू डबल इक्वल टू वन, तो टू पोजिशन पे जीरो, जीरो डबल इक्वल टू वन जो कि सही नहीं है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे तीन, चेक करेगा तीन लेस देन पाँच जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे टू ऑफ थ्री इक्वल टू वन, थ्री पोजिशन पे वन, वन डबल इक्वल टू वन जो कंडीशन सही है, तो थ्री पोजिशन पे इलेवन है, तो इलेवन डिस्प्ले होगा। उसके बाद आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो आई का वैल्यू फोर होगा, चेक करेगा फोर लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे टू ऑफ फोर पोजिशन इक्वल टू वन, तो फोर पोजिशन पे जीरो, जीरो इक्वल टू वन जो कि सही नहीं है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे फाइव होगा, चेक करेगा फाइव लेस देन फाइव जो कंडीशन सही नहीं है, तो फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा प्रिंट फंक्शन, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे आर, आई का वैल्यू यहाँ पे जीरो से शुरू होगा और चेक करेगा जीरो लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे इफ टू ऑफ जीरो पोजिशन ग्रेटर देन वन, तो जीरो पोजिशन में थ्री है, थ्री ग्रेटर देन वन जो कंडीशन सही है, तो ये डिस्प्ले का एट और जीरो पोजिशन के वैल्यू को, तो जीरो पोजिशन का वैल्यू क्या है सेवन, तो यहाँ पे सेवन डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद ये लूप कंटिन्यू होगा, आई का वैल्यू वन, चेक करेगा वन लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे डूब एट डूब ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो, तो डूब ऑफ वन पे क्या है वन है, यहाँ पे वन है, तो वन ग्रेटर देन जीरो जो कंडीशन सही नहीं है। उसके बाद आई का वैल्यू टू होगा, चेक करेगा टू लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो डूब ऑफ टू ग्रेटर देन वन, टू पे में जीरो, जीरो ग्रेटर देन वन जो कंडीशन सही नहीं है। आई का वैल्यू यहाँ पे तीन होगा, चेक करेगा तीन लेस देन पाँच जो कंडीशन सही है, तो टू ऑफ थ्री ग्रेटर देन वन, तो थ्री पोजिशन में वन है, वन ग्रेटर देन वन जो कंडीशन सही नहीं है, तो आई के वैल्यू यहाँ फोर जाएगा, चेक करेगा फोर लेस देन फाइव जो कंडीशन सही है, तो यहाँ पे टू ऑफ फोर ग्रेटर देन वन, फोर पोजिशन में जीरो, जीरो ग्रेटर देन वन जो कंडीशन सही नहीं है। उसके बाद आई के वैल्यू यहाँ फाइव हो जाएगा, चेक करेगा फाइव लेस देन फाइव जो कंडीशन सही नहीं, तो यहाँ से फॉर लूप से बाहर चला जाएगा और उसके बाद यहाँ से मेन फंक्शन से भी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नाइन इलेवन और यूनिक एलिमेंट इन एरे नाइन इलेवन है और डुप्लीकेट क्या है सेवन, तो ये है यूनिक नाइन इलेवन और सेवन तीन बार है इसलिए डुप्लीकेट है। तो ये है ड्राई रन मेथड और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कैसे वर्क करता है इसका स्टेप्स। तो इस बार मैंने n का वैल्यू 5 इंटर किया, आप n का वैल्यू 9 इंटर कीजिए, 9 इंटर करने के बाद आपको 9 एलिमेंट एरे में देना पड़ेगा और 9 आप डुप्लीकेट और यूनिक एलिमेंट इंटर कीजिए और सेम ट्राइन मेथड कीजिए, तो सेम ट्राइन कीजिएगा तो
पक्का आपको सही आउटपुट आएगा। और ये ट्रायल मेथड तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।